अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो. हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की विद द लेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये टॉपिक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. अगेन बार बार ख्याल ये किया जाता है कि अगर आपने बिल्कुल एक वेंचर नए सिरे से स्टार्ट करना है या अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर चुके हैं, अभी आपको चंद ही कुछ अरसा हुआ है अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए, तो आपको इतनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो बहुत वेल प्लान्ड, वेल थॉट और वेल एग्जीक्यूटेड होती हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या कर चुके हैं या ख़ास तौर पर अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्यों होनी चाहिए और इनका काम क्या होता है. इफ़ यू लुक एट योर स्क्रीन, तो हमने आपसे शेयर किया था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, कि जिसमें आपके जहन में सबसे पहले एक विजन और एक मिशन होता है अपने बिजनेस का, यानी आपकी बिजनेस की पर्सनल डिस्क्रिप्शन, आप करना क्या चाहते हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं. और उसके साथ साथ हमने कहा था कि उस एक फेज में आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का ऑडिट. इंटरनल एनवायरनमेंट से आएंगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. यहाँ तक जब आप आ जाते हैं तो फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अपने जहन में रखते हुए और अपॉर्चुनिटी को हंट करने के लिए वाइल कीपिंग योर विजन एंड मिशन इन योर माइंड, आप इस्टेब्लिश करते हैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से बाहर नहीं हो सकते, और ऑब्वियसली आपने जो अपॉर्चुनिटी हंट करनी है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसके हिसाब से बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए. गोल्स बेसिकली होते हैं क्या हैं? गोल्स आर द ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट्स दैट अ बिजनेस सीक्स टू अकम्प्लिश. यानी कहा यह जाता है कि गोल्स आर टेंड टू बी जनरल एंड समटाइम्स इवन एब्स्ट्रैक्ट. आपके जहन में आपने कोई ना कोई बात सोची होती है, कोई ना कोई प्लान सोचा होता है, आपने कोई अल्टीमेट एक अपनी डेस्टिनेशन जो है वो अपने जहन में रखी होती है जब आप अपनी वेंचर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे होते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे होते हैं. इसको हम कहते हैं आपका गोल, यानी आपकी डेस्टिनेशन आपका गोल हो सकती है. जहाँ तक बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, दे आर प्रिसाइज, दे आर क्वान्टिफाइबल परफॉर्मेंस मेजर्स. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जब वो आप बना रहे होंगे तो बहुत स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके गोल पर बेस कर रहे होंगे, और आपका गोल, आपका विजन, आपका मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड कर रहा होगा. आपके ऑब्जेक्टिव्स किसी भी एक बिजनेस में क्या हो सकते हैं, दीज आर द एरियाज ऑन द स्क्रीन, जिन एरियाज में रहते हुए आप अपने जहन में मुख्तलिफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपके जहन में होगा कि आपने अगर अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, इफ़ यू आर एन इंजीनियर एंड यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, लाइकवाइज अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं कोई, आप अपनी नई मार्केट डेवलप करना चाहते हैं या ग्रोथ स्टेज में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या मार्केट का एक बड़ा शेयर लेना चाहते हैं, पेनिट्रेट करना चाहते हैं मार्केट में, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना चाहते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कम है, बिजनेस ग्रो करना है, आपको मजीद फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आपको काफ़ी मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें आप सीख सकेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से होती है, ग्रोथ स्टेज इश्यूज हैं, आप अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी टीम या अपने वेंचर को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, अपनी कस्टमर ओरिएंटेशन या सर्विस बेहतर करना चाह रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, दीज आर द डिफरेंट एरियाज. ये सारे के सारे एरियाज बड़े अहम हैं, और इन्हीं एरियाज के बेसिस के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे होते हैं. अच्छे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बाज़ात हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और बड़ी बातों के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि इन बातों को फिर हमने अचीव भी करना है, और उसके लिए हमें एक एक्शन प्लान भी चाहिए. आपने जब भी अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और ख़ास तौर पे कहा यह जाता है कि अच्छे ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर नंबर वन, द ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक हों, बहुत जनरल नेचर के ना हों,
मेयरेबल, यानी अगर आपने अपने लिए कोई गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मेयर किस तरह से किया जा सकता है। फिर उसके बाद असाइनेबल, आप अकेले अगर काम कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर आपके पास एक पूरी टीम काम कर रही हो तो ऐसा ना हो आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर लें कि जिसमें आपने जब टास्क असाइन करना हो तो आपकी टीम के पास वो स्किल सेट ही ना हो कि आप अपने जो टास्क हैं वो अपनी टीम को असाइन कर सकें। रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। आपसे क्रिएटिविटी में बात हुई थी कि क्रिएटिविटी विदाउट अ डेडलाइन एज अ फुलिश ड्रीम। आपके पास एक डेडलाइन ज़रूर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की कि ये 6 महीनों में या 1 साल में या 2 सालों में या आने वाले 5 सालों में इनको किस तरह से अचीव करना है। और ख़ास तौर पे चाहे आप अपना अभी स्टार्टअप हैं, चाहे आप इस्टेब्लिश किए हुए आपको कुछ अर्सा हो गया है, चाहे आप ग्रोथ स्टेज पर हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में हैं तो उनको कहीं ना कहीं इन राइटिंग भी ले आइए। जब अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, सो इट मस्ट बी रिटन एज वेल। आपने मैनेजमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज में देखा होगा स्मार्ट मॉडल, जो अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हों तो वो स्मार्ट मॉडल बेस्ड होने चाहिए। बाय स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एग्रेसिव बट अटेनेबल, आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड या रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम फ्रेम या टाइम बाउंड। यानी जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखें अप्लाई करें स्मार्ट मॉडल अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को हम 2 कैटेगरीज में यूजुअली देखा जाता है, एक लिटरेचर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म, सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते हैं आप अगर आने वाले 5 या 10 सालों में अपने आप को और अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपके आ जाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और याद रखिए कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मेयर करने के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। फिर हम आ जाते हैं जो हमने बात की थी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपका ईयरली प्लान भी हो सकता है, आपकी 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस, आपकी एनुअल परफॉर्मेंस, आपने एक साल में कितनी आपने ग्रो किया, कितनी सेल्स आपकी ग्रो हुई, कोई नई प्रोडक्ट इस साल में ऐड हुई कि नहीं हुई, या कोई नई सर्विस ऐड हुई कि नहीं हुई, या इस साल आप कितने कॉस्ट एफिशिएंट रहे। सो आपके जो ईयरली प्लान हैं वो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट, चाहे आप अगेन इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस, आपके पास आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम बाउंड एंड रियलिस्टिक। ये फोकस लेकर आता है, सो जितनी देर तक आप और आपकी टीम फोकस्ड नहीं होंगे उतनी देर तक आपका वेंचर भी वो डिज़ायर परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। सो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, वो चाहे आपके लाइफ के हों या अपने बिजनेस के हों, उनको इन राइटिंग ले आइए। See you in the next video.